Assalamualaikum and hello everyone. क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? Welcome back to हम दो, हमारे चार vlogs. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. तो आज का व्लॉग जो है ना, वो मैंने दोपहर से स्टार्ट करी हूँ. और सुबह जो है मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था, फिर हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, और उसके बाद मैंने क्या क्या काम करी वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी. वैसे आज मैंने ना पहले ही से डिसाइड करके रखी थी कि आज मैं ग्रॉसरी सारी जो है वो हफ्ते की ले आऊँगी. हफ्ते में एक बार मैं जाती हूँ और जो सब्जियाँ वगैरह है ना वो पूरी हफ्ते की मैं लेके आ जाती हूँ. मेरी मम्मी कहती हैं कि तुम छुट्टी के दिन क्यों नहीं जाती हो, जब हस्बैंड घर में होते हैं तो जाओ साथ में ग्रॉसरी लेके आओ. लेकिन जो है छुट्टी के दिन ग्रॉसरी करना मतलब एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, क्योंकि जिस दिन ग्रॉसरी घर में आती है ना उस दिन बहुत सारा काम होता है, जैसे सारी ग्रॉसरी को अपनी जगह पर रखना और फिर जो लीव्स वगैरह उनको साफ़ करना. तो जिस दिन ग्रॉसरी आती है ना उस दिन बहुत काम होता है, और छुट्टी के दिन ना काम बहुत कम हो पाता है घर में, जब सब लोग घर में रहते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब छुट्टी है तो मैं टाइम अपने फैमिली को ना कि किचन में. और ये देखिए, ये मेरी वेलकम के लिए कौन खड़ा है यहां पे. तो इसलिए ना मैं यही प्रिफर करती हूँ कि मैं छुट्टी के दिन ग्रॉसरी ले आऊँ इत्मीनान से. और दूसरी ये चीज़ है ना कि हस्बैंड की आदत भी छूट जाती है ग्रॉसरी में करने के लिए, इतनी देर मेरे साथ खड़े रहने के लिए मॉल में. कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, तो जब मेरे सर पे कोई सवार रहता है ना जल्दी करो तो मुझसे ग्रॉसरी नहीं होती है, मुझे टाइम चाहिए ताकि मैं आराम से हर चीज़ ले सकूँ याद करके. ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के ना कुछ प्लस पॉइंट्स रहते हैं तो कुछ नेगेटिव, ये मैं शुरू से कहती हूँ आप लोगों से. प्लस पॉइंट्स यही रहता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, और उसके नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो ये है कि हस्बैंड लोग जो है ना वो दोनों हाथ एकदम ऊपर उठा लेते हैं, समझते हैं उनकी वाइफ जो है वो सुपर वुमेन हो चुकी हैं और सारा काम जो है ना वो खुद ही कर लेती हैं. बहरहाल मैं अपने हस्बैंड को जो है ना समझती हूँ कि उनके बैक पेन है और वो ज़्यादा देर मॉल में खड़े नहीं रह सकते हैं, तो मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ ये सोच के कि उन्हें परेशानी होगी ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो इसीलिए मैं ग्रॉसरी ले आती हूँ अपने हिसाब से. लेकिन जिस दिन मुझे ग्रॉसरी लानी होती ना तो मुझे एक दिन पहले से ही सारा अरेंजमेंट करना होता है ताकि कोई भी चीज़ जो है हेक्टिक ना हो जाए मेरे लिए. अच्छा यहाँ देखिए, इस बार है ना हस्बैंड कह रहे थे कि जब तुम बनाना लेके आओगी तो उसको सेलोटेप से अच्छी तरह रैप कर देना, तो वो इतने जल्दी जो है ना वो पकेगा नहीं, नहीं तो पता नहीं क्यों यहाँ दुबई में बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो केला पक जाता है. तो मैं ये ट्रिक इस बार ट्राई करके देखती हूँ वर्क करता है कि नहीं. बहुत सारे लोग हैं ना ये दाल चावल और आटा का जो कंटेनर है मेरा उसकी लिंक मांग रहे थे, तो मैंने ना ये शॉप से खरीदी थी ऑनलाइन नहीं, लेकिन अब मुझे है ना ऐसा सिमिलर जो है वो ऑनलाइन लिंक मिली है, सेम नहीं है बट सिमिलर है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन चेक. और ये देखिए, आज सुबह से मैं यही कर रही थी, मैंने पूरी फ्रिज की क्लीनिंग जो है ना वो कर दी थी, लेकिन इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि क्लीनिंग तो जैसे हम सब करते हैं फ्रिज की बस वैसे ही हो रही थी. सारा कुछ सामान जो है ना वो मैं निकाल के साफ कर दी थी. और सबसे बेस्ट टाइम जो है वो फ्रिज क्लीन करने का यही होता है कि जब आपके फ्रिज में जो है वो सामान बहुत कम हो. तो मेरी फ्रिज जो है ना वो ऑलमोस्ट पूरी खाली हो गई थी. ये जो लीव्स वगैरह मैं लेके आई हूँ ना इसको आज ही मैं एकदम क्लीन कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट काम करने के बाद. ये देखिए, जो धनिया की पत्ती रखने का डब्बा है वो भी पूरा खाली हो गया था तो मैंने धो के रख दी थी. और ये देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, हरी मटर. ये सोच रहे होंगे आप लोग कि हरी मटर देख के इतना खुश क्यों हो रही हो. एक्चुअली यहाँ दुबई में ना सब लोग फ्रोज़न मटर यूज़ करते हैं, मगर मुझे ये इंडिया वाली जो हरी मटर है ना ये बहुत अच्छी लगती है, तो जब सीज़न होता है तो मैं लेके आती हूँ. तो आजकल बहुत ही फ्रेश एकदम हरी मटर मिल रही है. मैं सोच रही थी कि ना इसकी हरी मटर की दाल बनाऊँगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है हरी मटर की दाल. ये देखिए, आज लंच के लिए ना मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी. इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ जो है बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ पहले, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करी. मैं सोची कि ये बना के जाती हूँ ताकि जब मैं आऊँगी तो ग्रॉसरी रखने का बहुत सारा काम रहेगा तो खाना बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना धीरे धीरे बच्चों का भी आने का टाइम हो जाता है और एनर्जी लेवल भी जो है ना वो ग्रॉसरी करके आएंगे ना तो थोड़ा सा कम हो जाता है. तो इसलिए मैं सब्ज़ी जो है वो दोपहर की बना के गई थी. तो लंच मेरा बिल्कुल रेडी है. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सा चूड़ा, नवरत्न चूड़ा, जो मेरे हस्बैंड की बड़ी फरमाइश आ रही थी कई दिन से, तो सोचा आज ये पूरी कर देती हूँ इनकी ख्वाहिश.
एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड है ना, उसने एक बार बना के भेजी थी मेरे घर पे, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेरी मम्मी भी चूड़ा बनाती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं। इसमें तो जो है ना कई इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम है नवरत्न चूड़ा। पहले मुझे लगा कि नवरत्न चूड़ा मतलब बहुत झाम का काम होगा, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत ईजी था और बहुत जल्दी बन गया था। यहाँ पर मैंने ली हूँ 2 कप कॉर्नफ्लेक्स वाला पापड़, 1/4 कप नारियल के स्लाइसेस, पोहा 2 कप और 4 कप लाई, 1/2 कप काजू, 1/2 कप बादाम, 1/4 कप किशमिश, 1 कप रोस्टेड पीनट्स, 1 कप साबूदाना पर्ल्स और 1 कप भुनी हुई चना की दाल, और ये है कड़ी पत्ता। सबसे पहले है ना, एक बड़ा सा बर्तन आपको लेना है और उसके अंदर लाई डाल देंगे 4 कप और उसको हम लोग मीडियम आंच पे जो है वो रोस्ट करेंगे, बगैर घी बगैर तेल के। और जब आपको ना ये अच्छा सा लगेगा कि रोस्ट हो गया है, तो इसको एक सेपरेट बर्तन में निकाल दीजिए और उसके बाद ना उसी सेम बर्तन में थोड़ा सा तेल डाल के इसमें 3 हरी मिर्ची और 3 सूखी लाल मिर्ची, ये दोनों डाल के तेज़ आंच पे हम लोग इसको फ्राई करेंगे। एकदम क्रिस्पी हो जानी चाहिए, गीली गीली सी नहीं रहनी चाहिए। अब गैस जो है वो बंद कर दीजिए और पैन को साइड में रख दीजिए। इसमें हम लोग डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच शुगर मतलब शक्कर, और उसके बाद हम लोग इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो ये वाला मसाला जो है हमारा रेडी है। अब इसको गैस के साइड में ही रखे रहिएगा। एक तरफ जो है ना मैंने तेल रख दी हूँ कढ़ाई में गर्म होने के लिए। पहले जो चूड़ा बनता था तो उसमें है ना हम लोग तेल में डाल के फ्राई करते थे, अब जो है ना नया मेथड है। इस तरह से छन्नी ले लीजिए, कड़ी पत्ता को एकदम सूखा होना चाहिए, ज़रा सा भी पानी रहेगा तो गीला जो है ना वो उड़ेगा तब उसमें से तेल में से, तो इसलिए जो है एकदम सूखा कड़ी पत्ता आप तेल में डालिए। तेल की आँच होनी चाहिए एकदम हाई, जैसे ही आप डालेंगे फटाफट से जो है ना वो कड़ी पत्ता एकदम अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। फिर उसको निकाल के आप टिश्यू पेपर पे डाल के फैला दीजिए ताकि एकदम अच्छा सा वो क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद सेम उसी तरह मैंने कॉर्नफ्लेक्स वाला पापड़ भी जो है वो तल के निकाल दी हूँ, और मुझे लगा वीडियो ऑन है लेकिन वीडियो ऑन ही नहीं था और ये ऑलरेडी तल गया। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं और चीज़ें आपको तल के दिखाती हूँ। अब मैंने ली हूँ साबूदाना पर्ल्स, लेकिन है ना यहाँ पे एक गलती हो गई, मैंने बहुत सारे साबूदाना पर्ल्स को एक साथ डाल दी। ऐसे आपको नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा डालिए क्योंकि इसको फूलने के लिए जो है वो जगह चाहिए, और आँच जो है ना वो एकदम तेज़ रखिएगा और थोड़ी देर तक इसको फ्राई करिएगा तो फिर जो है ये बहुत अच्छा सा बनेगा। बहरहाल किसी तरह मैंने मैनेज कर लिया था इसको। अच्छा, अब मैंने इसमें डाली हूँ नारियल, थोड़ा सा रेड हो गया तो इसको भी मैंने डाल दी बर्तन में। अब बारी आती है बादाम की, बादाम को भी जो है हल्का सा फ्राई करके और मैंने डाल दी सेम वही बर्तन में। फिर मैंने काजू को फ्राई करी और उसके बाद मैंने फ्राई करी हूँ किशमिश। तो इस तरह से है ना साइड में जब आप बर्तन रखे रहेंगे ना तो बहुत इजी हो जाता है, और फटाफट से फ्राई करते करते आप बर्तन में डालते रहिए। अच्छा, अब है ना यहाँ पे मैंने पोहा फ्राई करी हूँ, और ये गलती मैंने रिपीट नहीं करी, थोड़ा थोड़ा सा पोहा मैंने फ्राई करके इसमें 2-3 बार में डाली हूँ। तो यहाँ सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी हो गई हैं। अब इस मिक्सचर में मैं 1 कप भुनी हुई चना दाल डाल रही हूँ और 1 कप रोस्टेड पीनट्स। अच्छा, ये देखिए, ये जो कड़ी पत्ता था जो हम लोगों ने फ्राई करके टिश्यू पेपर पे रखे थे, ये एकदम कुरकुरा हो गया, एकदम क्रिस्पी। अब इसको हाथ से मसल के जो है वो लाई में डाल दीजिए जो हम लोगों ने सबसे पहले भून के रखे थे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डाल दीजिए और बस हमारा पूरा चूड़ा, नवरत्न चूड़ा रेडी है। इसको 2 स्पैचुला की मदद से जो है ना वो आप मिक्स कर दीजिए, और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करिएगा क्योंकि सॉल्ट वगैरह जो है ना वो मिक्स होना चाहिए, प्लस हमारा जो पहले वाला मसाला था नीचे वो भी अच्छे से मिक्स करना है। तो देखा आपने कितना ईजी था इसको बनाना। यहाँ मेरा चूड़ा बन के रेडी हुआ, नमाज पढ़ी जोहर की, और यहाँ बच्चे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा ये देखिए हो गया।
रीडर ऑफ द वीक शो मी। अरे रीडर ऑफ द वीक आरिज आजम, वेरी गुड। अच्छा पढ़े थे क्या? हाँ, नहीं हमने, हाँ हमने अच्छा पढ़े थे। और दो टीचर पास आउट कर दिए, दो टीचर पास आउट कर दिए और खाली टीचर लो भाई ना बचे। दो टीचर पास आउट कर दिए मतलब? हाँ सच में, कहीं चली गई अब हमने नहीं बताया। ये देखिए, ये कुछ दिन पहले की क्लिप है। अफ़ान का बाल इतना बड़ा हो गया था और जब वो लहरा रहा था अपना बाल, तो मैंने उसकी स्लो मोशन में वीडियो ले ली थी, कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन यह है कि उसकी आंख पे पूरा बाल आ रहा था। मैंने सोची कि कोई हेयर शैम्पू वाले वगैरह देखेंगे ना तो फिर इसको ऐड के लिए ले लेंगे। बहरहाल उसके बाद जाके हस्बैंड इसका बाल कटवा दिए थे और स्कूल में सब लोग इसको ना टोमेटो टोमेटो बुला रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसका इंग्लिश पेपर? इंग्लिश पेपर मिला है? यस। कितना मिला? आई गॉट 70। दिखाओ। नहीं दिखाओ जी। आई वांट शो इट। आई गॉट 67। क्या? किधर है 67? देयर। ओ हाँ, 67 आउट ऑफ 80। तो कहाँ मिस्टेक्स हुई? ग्रामर? ग्रामर बोले थे कि ग्रामर अच्छी तरह करो, अच्छी तरह। What's the difference between has, between? अच्छो, this is grammar, has, have, had. शाम का टाइम हो गया था और मौसम बहुत ही सुहाना था, तो बच्चे और मैं ना हम सब यहाँ बाहर बैठ गए थे मटर छीलने के लिए। ये अफ़ान का फ्रेंड है, अफ़ान को खेलने के लिए बुलाने आया था, तो जो है मैंने इसे कहा कि थोड़ा सा मटर छील के तब अफ़ान जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी कैसे? कोई कस्टमर के साथ बैठे। सब बाहर बैठे हैं। किस लिए? देखिए क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ए व्हाट इज गोइंग ऑन? हेलो बच्चा, ये क्या निकाल रहे हो तुम? ग्रीन पीस? एक कैसे निकाल रहे हो तुम? क्विज करके निकाल रहे हो? सही से सारी चीज निकल रही है कि नहीं? वेरी गुड। चलो ठीक है, चलो काम का काम करो कम से कम। आरिस तुम छिलो जल्दी और हंसो कम। They must be wondering where I am right now. Ahmed, you, Ahmed, you know what is that? No. Don't know? Green peas? Oh, green peas. Yeah. Do you eat that? Yes. I eat all types of peas. Okay. और यहाँ पे देखिए फलक बैठ गई है अपना कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट करने के लिए। एक्चुअली दिवाली है ना, तो इन लोगों को जो है घर से दिया बना के लेके जाना है, तो वही वो बना रही है। क्या बना रही हो? We have a workshop for school and I'm making a dia holder. So this is gonna go over here and then the dia is gonna go on top of it. Yeah, it will go like this.
And I put hot glue in it, and I make cash. ये आता है कैसे यूज करते हैं हॉट ग्लू गन yes. I burn my finger 5,000 million times and I'm gonna make money. रेडिश जो मैंने वॉश करके रखी थी ना वो सूख गई है, तो मैंने उसको एयरटाइट कंटेनर में रख दी हूँ। और जो हरी मटर है उसको भी मैंने जिप लॉक बैग में करके रख दी हूँ। अब ये बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सुनिए, ये निरंजी आपके लिए लेके आई है मसाज बैक पेन के लिए। कैसी है महक? ठीक ही है। हाँ, कोई खास तो महक नहीं है, गंदी नहीं है, ग्लोव की तरह ना। कैस्ट्रोल ऑयल नहीं, कैस्ट्रोल ऑयल की बोतल में है वो कोई आयुर्वेदिक दवा है, देखते हैं। अच्छा, नंबर वन थोड़े की दुकान खोल लेते हैं। हाँ, थोड़े का बिजनेस खोल लेते हैं। चलिए अब ये लंबी वाली बोतल में डाल दीजिए। अब इसकी बात तो नहीं हुई थी, क्या खाली खाएंगे? खाली खाएंगे क्या? ऐसे तो जाएगा ही नहीं। देखा yes. अरे पेपर पे रखिए पहले और फिर उसको बॉटल में सरका दीजिए। क्या कर रहे हैं? जाने, हम रख देंगे। और बचे? हाँ, और डब्बे में निकालते हैं। तो ये देखिए एक बार में कितना सारा चूड़ा बना है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना था। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उसको जो है रिप्लेस कर दीजिएगा, अपनी पसंद की चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फलक का जो दिया है वो बन के एकदम रेडी है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये पेपर को फोल्ड करके रोल करके थ्रेड लपेट के उसके ऊपर उसने इसका बॉर्डर दी है। और यहाँ जईम भी आ गया यूनिवर्सिटी से। वालेकुम सलाम। आज जल्दी कैसे? आज जल्दी क्लास खत्म हो गई। वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कर रहे हैं, जाते हैं हर दिन। अच्छा, वो खाए थे टिफिन जो दिए थे? हाँ। सच बताओ? हाँ। पूछ रहे बस, कार्ड से कुछ खरीदा नहीं। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो है आज उनको एक्सपेरिमेंट करने का शौक चढ़ा था, करेला बना रहे हैं अपने लिए। वो बारबेक्यू करेला। क्या क्या मसाला लगाए हैं? चल ना, कौन सा मसाला लगेगा, करेला तो करेला ही है ना। और ये वीडियो जो है ना, ये नेक्स्ट डे की है। दूसरे ही दिन दुबई में इतनी जबरदस्त बारिश हुई, इतनी जबरदस्त बारिश कि एकदम मजा ही आ गया। ये देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया था, इतना सुहाना मौसम हो गया था। और सुबह से लग रहा था कि बारिश होगी, एक दिन पहले से ना अंधेरा अंधेरा था, तो मैं बस छतरी छोटी सी थी आरिस की वो लेके बाहर आ गई आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स लेने के लिए। छतरी से तो मैं तो नहीं बचूंगी भीगने से, लेकिन यह है कि मोबाइल बच जाएगा, वो गीला नहीं होगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जब कई महीने की सड़ी गर्मी के बाद ऐसा मौसम आता है ना तो और भी अच्छा लगता है। सो फाइनली अब मौसम जो है वो अच्छा हो रहा है। और ये देखिए, यही आरिस की अम्ब्रेला है जो मैं बाहर लेके गई थी शूट करने के लिए। अभी तो आरिस स्कूल में है, अगर वो होता ना तो उसको बहुत मज़ा आती अम्ब्रेला लेके भीगने में। और यहाँ पे देखिए एक लोग फंसे हुए हैं पेड़ के नीचे बेचारे। यहाँ पे ना बारिश होती नहीं है तो किसी के पास अम्ब्रेला वगैरह रहती नहीं, जैसे इंडिया में सब लोग के पास रेनकोट अम्ब्रेला सब अवेलेबल रहता है, लेकिन यहाँ पे तो कभी बारिश बहुत कमी होती है तो कोई अम्ब्रेला वगैरह रखता नहीं है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।